गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको यह पर्टिकुलर बैंक की यह पर्टिकुलर सर्विस कैसे अवेल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स, यह सर्विस अवेल करने के लिए आपको वो बैंक की ब्रांच पे जाना होगा और वहाँ से आपको सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, ओके, यह पर्टिकुलर सर्विस अवेल करने का जो फॉर्म रहता है उसको बोलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म या मल्टीपर्पस फॉर्म, या सिंपल आपको वो ब्रांच पे जाके बताना है कि मुझे यह पर्टिकुलर सर्विस अवेल करनी है तो उसके रिलेटेड मुझे फॉर्म दीजिए, तो वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वो फॉर्म कैसा रहता है एंड उसको कैसे भरते हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वो फॉर्म कैसा रहता है एंड उसको कैसे फिल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडियन बैंक का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कुछ इस तरीके का रहेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले डेट लिख देंगे कि कौन सी डेट को आप ये अप्लाई करने जा रहे हैं सर्विस के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, टू द ब्रांच मैनेजर इंडियन बैंक वलसाड़ ब्रांच, यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रांच मेंशन ही है। अगर मेंशन नहीं की है तो वो आप पर्टिकुलर ब्रांच का नेम लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आपका जो पासबुक कहीं पे खो जाता है, चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो उस केस में आप 6 नंबर पे टिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक, और जो कोई रीज़न है, लॉस्ट है, मिसप्लेस है, डैमेज है, वो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चार्जेस 118 यानी 118 रुपये उसका चार्ज है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में आपको ये फॉर्म पलटना होगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा और उसके ऊपर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आई और वी ऑथराइज द बैंक टू डेबिट द एप्लीकेबल सर्विस चार्जेस, यानी ये जो कोई पर्टिकुलर सर्विस है उसमें अगर कोई सर्विस चार्ज आ रहा है तो वो आप बैंक को ऑथराइज करेंगे कि आप वो ले सकते हैं। और फ्रेंड्स नीचे देखिए सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। अगर जॉइंट में है तो सेकंड एप्लीकेंट यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। अगर आपका करंट अकाउंट है, ओके, तो यहाँ पे आपका वो सील लगाएंगे, प्रोपराइटर वाला या पार्टनरशिप वाला सील लगाएंगे और बीच में अपना सिग्नेचर करेंगे। और लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ पे आपका कस्टमर नेम यानी आपका जो भी नेम है वो नेम लिखेंगे एंड लास्ट में अपना एड्रेस लिखेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के ऊपर मिल जाए। ऐसा ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। बने रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।